my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video, I'm going to discuss a very important topic, that is how to divide a polynomial by the another polynomial. That means division of polynomials and by what method, the long division method. आप लोगों ने numbers में तो division सीखा हुआ है, right? कि suppose if I give you a task that divide the 14 by 7, तो आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं 7 2 टाइम्स 14 रिमाइंडर 0. अब क्या 0 रिमाइंडर आने के बाद क्या आप आगे फर्दर मूव करते हैं? यू विल नॉट मूव. सिमिलरली इफ आई गेव यू अ टास्क दैट डिवाइड द 15 बाय 2, ठीक है, तो 2 7 टाइम्स 14 रिमाइंडर इज 1. क्या इसके आगे आप करते हैं? हाँ, इफ द आंसर यू हैव टू गिव इन द डेसिमल फॉर्म देन डेफिनेटली यू विल डू, बट इफ यू डोंट हैव टू आंसर इन द डेसिमल फॉर्म तो आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देते हैं इस प्रोसीजर को, और आप बोलते हैं दैट 7 टाइम्स एंड 1 इज द रिमाइंडर. तो यानी कि आप इस प्रोसीजर को कब तक करते रहते हैं? जब तक आपको या तो रिमाइंडर जीरो नहीं मिल जाता, या रिमाइंडर जो है क्वांटिटी वो आपकी लेस देन नहीं आ जाती किससे, डिवाइजर से. आप जब भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लेट्स से 14 को जब 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 14 डिवाइड बाय 7 जब आपने किया तो 14 इज व्हाट? 14 इज योर डिविडेंड, राइट. 7 इज योर डिवाइजर. इससे जो जनरेट हुआ था 2, ये आपका क्या है? क्वोशेंट. एंड सिंस हियर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आया? दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर, राइट. तो ये सारी चीजें आपको पता है. तो मेरे कहने का मतलब ये है, व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर, कि आप ये डिविजन प्रोसेस कब तक करते रहते हैं? आप तब तक करते रहते हैं जब तक आपका रिमाइंडर या तो जीरो नहीं आता, या रिमाइंडर लेसर देन दी डिवाइजर नहीं आता. आप तब तक ये डिविजन एल्गोरिथम परफॉर्म करते रहते हैं, राइट. तो वही सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे भी फॉलो करना है. क्या फॉलो करना है? अब सिंस हेयर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलोनॉमियल्स की, राइट. तो पॉलोनॉमियल्स में अब आपके पास क्या है? आपको एक पॉलोनॉमियल को दूसरे पॉलोनॉमियल से डिवाइड करना है. जैसे हमें यहाँ पे टास्क दिया हुआ है, वी हैव टू डिवाइड दिस क्यूबिक पॉलोनॉमियल बाय दिस लीनियर पॉलोनॉमियल. तो इसमें अब हमें डिविजन कब तक परफॉर्म करना है? तो कंडीशन नंबर 1, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आता है तब स्टॉप कर दो. एंड द सेकेंड थिंग इज क्या, कि अगर डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डी डिनोट्स फॉर डिग्री एंड आर स्टैंड्स फॉर द रिमाइंडर, इफ डिग्री ऑफ रिमाइंडर कम्स लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, तो उस केस में भी आपको क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है. अब कैसे हमें परफॉर्म करना है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. अब हमें हमको कैसे डिवाइड करना है, तो चलो हम उस प्रोसीजर के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है. सो हेयर व्हाट वी हैव दिस लीनियर सॉरी दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से. तो जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, दैट इज व्हाट योर डिविडेंड. इसको डिवाइड करना है तो दिस इज योर डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना है सो दिस इज योर डिवाइजर. तो इनको आप उसी अरेंजमेंट में अरेंज कर लीजिए जैसे कि आप करते हैं. अब जब भी डिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका डिविडेंड है दैट शुड बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या है, कि ईच एंड एवरी टर्म उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. तो बिल्कुल वैसे ही अरेंज है, पहले क्यूबिक टर्म, फिर स्क्वायर टर्म, फिर पावर 1 टर्म और फिर कॉन्स्टेंट टर्म. तो इसको एज इट इज लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिख लो. अब देखो प्रोसीजर क्या है. अब हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ पे क्वोशेंट जनरेट होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या है. तो देखो जो फर्स्ट टर्म होगा क्वोशेंट का, उसको Q1 से डिनोट किया. अभी कैसे जनरेट होगा, तो जो भी आपका डिविडेंड है उसका जो हाइएस्ट पावर वाला टर्म है, ठीक है, हाइएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है दैट इज वॉट एक्स क्यूब, उसको आपको डिवाइड करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से. और ये डिवाइजर भी आपका कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होना चाहिए. तो यहाँ पे डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x, ठीक है. सॉल्व करोगे तो ये x इससे कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा. तो यानी कि ये जो जनरेट हुआ दिस इज योर द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट. एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे लिखेंगे. अब ये एक्स स्क्वायर जो क्वोशेंट जनरेट हुआ है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है. तो जब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर. तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है,
एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो ये जो सेकेंड रो में हमने नंबर्स अरेंज किए हैं एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर, हमको इसके क्या करने हैं, साइन चेंज करने। क्यों साइन चेंज करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं उसको माइनस करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि साइन चेंज करने का मतलब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना है, तो ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव करेंगे, ये भी पॉजिटिव है इसको नेगेटिव करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, रेड वाले जो हमारे हैं यहाँ पे साइंस, उनको हमें कंसिडर करना है। तो एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर मेक्स व्हाट, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस टू एक्स और माइनस थ्री आपको ड्रॉप डाउन कर देना है, क्लियर है। अब ये जो आपके पास आया, ठीक है, ये अब आपका न्यू डिविडेंट हो जाएगा। अब अगर ये न्यू डिविडेंट है, डिवाइजर अभी भी यही रहेगा, तो अब आपको जब नेक्स्ट टर्म जनरेट करनी है क्वेश्चन की, तो अब आप उसमें क्या करेंगे, ये वाला जो आपका माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है, जो फर्स्ट टर्म है आपकी न्यू डिविडेंट का, उसको डिवाइड करना है विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, दैट इज एक्स। सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, माइनस सिक्स एक्स, क्लियर है, क्योंकि ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको यानी कि माइनस सिक्स एक्स को मल्टीप्लाई करना है आपके डिवाइजर x प्लस टू से, तो क्या मिलेगा, माइनस सिक्स एक्स इंटू एक्स इज व्हाट, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स प्लस टू दैट इज माइनस ट्वेल्व एक्स, ठीक है। और इसको यहाँ पे प्लेस करना है, तो चलो प्लेस करेंगे हम, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस ट्वेल्व एक्स, क्लियर है। अब सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है, तो ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली प्लस टू एक्स एंड प्लस ट्वेल्व एक्स मेक्स वॉट, फोर्टीन एक्स एंड दिस इज वॉट, माइनस थ्री, क्लियर है। अब क्या अभी भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कंडीशन आपको क्या बोली थी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, बट अभी तो बराबर डिग्री आ रही है, रिमाइंडर की डिग्री वन और डिवाइजर की डिग्री वन, यानी कर सकते हैं। सो टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या करना होगा, 14x को डिवाइड करना होगा x से, क्लियर। एक्स एक्स कैंसिल किया तो क्या जनरेट हुआ क्वेश्चन, 14। अब इसी 14 को हमको क्या करना होगा, अगेन मल्टीप्लाई करना होगा हमारे डिवाइजर से, तो क्या बनेगा, 14x प्लस 28, और इसी को हमको यहाँ पे प्लेस करना है। सो 14x प्लस 28 साइन चेंज करना होगा आपको, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माइनस 3 एंड माइनस 28 इज वॉट, माइनस 31, ठीक है। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है आपकी बेटा जीरो। अब अगर यहाँ पे डिग्री अगर आप रिमाइंडर की देखें, तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या आई है, पॉलिनोमियल की डिग्री से कम आ गई है, कम आ गई, तो अभी आपको यहीं स्टॉप हो जाना है। तो इन दिस वे आपके पास यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर आया माइनस 31, आपका क्वेश्चन क्या जनरेट हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लीजिए, माइनस सिक्स एक्स और थर्ड वाला आया था आपका प्लस 14, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जनरेट हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज कहने वाली बात है, क्या यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया, नहीं आया, तो यानी क्या एक्स प्लस टू ने आपके गिवन डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड किया, नहीं किया। तो आपने नंबर्स में भी पढ़ा है, जब तक एक गिवन नंबर अनादर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, तो तब तक आप क्या कर बोलते हैं कि इट इज द गिवन नंबर इज नॉट द फैक्टर, आप यही बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे x प्लस टू ने गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो दैट मीन्स x प्लस टू इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन डिविडेंड। बट अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता, ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, x प्लस टू इज द फैक्टर, और x प्लस टू के साथ साथ जो हमारा क्वेश्चन होता वो भी क्या होता, फैक्टर होता। क्यों होता, क्योंकि आप नंबर में ही देखो ना, जब आप 14 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 टू टाइम्स 14 रिमाइंडर जीरो, तो यानी कि 7 इसका फैक्टर है,
14 का, तभी डिवाइड कर पा रहा है। और जो क्वेश्चन जनरेट हुआ 2, तो देखो वो भी तो क्या है, 14 का फैक्टर है, क्योंकि जब आप 14 को भी 2 से डिवाइड करते तभी कंप्लीटली हो जाता है। तो यानी कि जब आप किसी भी डिवाइजर को किसी डिविडेंड से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्वेश्चन जनरेटेड और जो गिवन डिवाइजर है वो दोनों आपके गिवन पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें कंक्लूजन करना है कि अगर रिमाइंडर 0 ऑन द बेसिस ऑफ द रिमाइंडर, कि इफ रिमाइंडर कम्स आउट 0, तो दैट मींस द जनरेटेड क्वेश्चन एंड द गिवन डिवाइजर आर द व्हाट, दे बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट द डिवाइजर। क्लियर है? तो ये था हमारा हाउ टू डिवाइड दी वन पॉलिनोमियल बाय दी अनादर पॉलिनोमियल, और उसके बेसिस पे हमारा ये डिस्कशन था। अब इसी में हम आगे, जो क्लास 9th में हम चैप्टर रनिंग कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट जरूरी था, राइट? तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि अब अदर देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द लीनियर पॉलिनोमियल, आपका कितना भी हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल आए तो कैसे लॉन्ग डिविजन मेथड और फैक्टर थ्योरम की मदद से हम उसे बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, देन गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ द अपडेट्स। Till then, bye-bye, take care. See you in my next video with the next concept.